वेलकम टू ट्रद पब्लिक स्कूल ऑनलाइन क्लासेस डेथ हमने हमारा चैप्टर पीटर ऑफ हारलैंड कंप्लीट रीड कर लिया था आज हम इस चैप्टर की एक्सरसाइज करेंगे प्लीज लुक एट पेज नंबर सिक्सटी फोर टिक द करेक्ट आंसर फर्स्ट क्वेश्चन है वेयर डिट पीटर लिव पीटर कहाँ रहता था हॉलैंड फर्स्ट में बी ऑप्शन पर आपको टिक करना है सेकेंड है वट काइंड ऑफ बॉय वाज पीटर पीटर किसने का लड़का था अनसेल्फिश सेकंड का आपको सी टिक करना है थर्ड ए वॉट डिड पीटर ब्रिंग फॉर द ब्लाइंड मैन ब्लाइंड मैन के लिए क्या लाया था थर्ड का ऑप्शन ए केक्स फोर्थ ए वॉट डिड पीटर कलेक्ट फॉर हिज मदर फ्लावर्स अपनी मम्मी के लिए पीटर ने क्या कलेक्ट किए थे फ्लोवर्स फिफ्थ हु कैम टू हेल्प पीटर इट लास्ट अंत में पीटर की हेल्प करने के लिए कौन आए थे एक प्लेट फिफ्थ में ए फिर इन द ब्लैंक्स फर्स्ट ए पीटर्स मदर वाज प्रिस्ट विद हिज थॉटफुलनेस फर्स्ट में आपको लिखना है थॉटफुलनेस सेकंड इज द ओल्ड मैन वाज टेलिंग पीटर वन ऑफ द स्टोरीज सेकंड में आएगा द ओल्ड मैन थर्ड है द ओल्ड मैन वाज डिलाइटेड विद द केक्स थर्ड में आपको लिखना है केक्स फोर ए फोर ए मोमेंट एक्साइटमेंट कैप्टिम वार एंड फियरलेस वार मैंड फियरलेस फिफ्थ है द प्रिस्पेंट इज नाइड बाई द बेड साइड ऑफ ए सिक पर्सन ट्रू फॉल्स है फर्स्ट है पीटर वैन टू मीट द ब्लाइंड मैन क्या वो ब्लाइंड मैन से मिलने क्या था ट्रू सेकेंड है पीटर कलेक्टेड मैनी फ्लोवर्स फॉर इज मदर उसने अपनी मम्मी के लिए बहुत सारे फूल कलेक्ट किए थे ट्रू पीटर इग्नोर द वाटर कमिंग आउट ऑफ द डाइक पीटर ने जो पानी डाइक से आ रहा था बांध से उसको इग्नोर कर दिया था उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया था ये स्टेटमेंट फॉल्स है फोर्थ है पीटर डिडेंट स्ट्रे दे द होल नाइट क्या पीटर पूरी रात वहाँ नहीं रुका था ये स्टेटमेंट भी फॉल्स है फिफ्थ है द टाउन ऑफ हार्लेम ग्राउंड एट लास्ट जो हार्लेम कस्बा था क्या वो डूब गया था ये स्टेटमेंट फॉल्स है आपको इन क्वेश्चन आंसर की पी सेंड की जाएगी एफ आपको जो आईडियम्स है उनको आपको मैच करने हैं इस सभी जो मुहावरे हैं इनमें फिंगर वर्ड्स का यूज हुआ है और उनका क्या अर्थ निकलता है वो हमें एक दूसरे से मैच करना है. हैव ए फिंगर इन एवरी पाए तो फर्स्ट इसको आपको मैच करना है एफ से मतलब टू बी इन्वॉल्व इन टू मेनी एक्टिविटीज़ जो व्यक्ति बहुत सारी एक्टिविटी में एक साथ लगा हुआ होता है इन्वॉल्व होता है उसके लिए हम यूज़ करते हैं एडियम्स आई हैव ए फिंगर इन एवरी पाए सेकेंड है टू बी ऑल फिंगर्स एंड थम्स पूरे हाथ उंगलियाँ और अंगूठा जो भी है वो सबको कर लेना सेकंड को हम मीच मैच करेंगे ई से टू बी क्लजमी एंड डू थिंग्स इनकरेक्टली हर चीज़ को उलझ जाना और गलत तरीके से कार्य करना थर्ड हैव वन फिंगर ऑन द पल्स इसको आपको मैच करना है डी से इसका मतलब है टू बी कंस्टेंटली अवेयर ऑफ द मोस्ट रिसेंट इवेंट्स और डेवलपमेंट्स जो भी घटनाएं घट रही है उनके बारे में सचेत होना फोर्थ है वर्क वन फिंगर्स टू द बोन इसको आपको मैच करना है जी से मतलब टू वर्क एक्सट्रीमली हार्ड बहुत कठिन मेहनत करना स्पेशली फॉर ए लॉन्ग टाइम और लंबे समय तक फिफ्थ है टू हैव स्टिकी फिंगर्स इसको आपको मैच करना है ए से हैव ए टेंडेसी टू स्टील मतलब किसी भी चीज़ को छुराने की कला फिर सिक्स है स्लिप दो वंस फिंगर इसको आपको मैच करना है बी से मतलब लॉस एन अपॉर्चुनिटी दो केयरलेसनेस और नॉट मेकिंग एन एफर्ट अपनी लापरवाही से या प्रयास नहीं करने से किसी अफसर को खो देना टू बर्न वन फिंगर्स इसको आपको सेवन से सी से मैच करना है जिसका मतलब है टू सफ़र द अनप्रेजेंट रिजल्ट ऑफ एन एक्शन स्पेशली द लॉस ऑफ मनी मतलब आप जो आपका रिजल्ट है वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं निकले आपको लाभ नहीं हो और स्पेशल रूप से अगर आपको मनी का लॉस हो रहा हो तो हम कहते हैं टू बर्न वन फिंगर अपना हाथ जलाना टर्न द पेज यहाँ एज एक्सरसाइज देखेंगे हम राइट वर्ड्स दो वर्ड्स दिए गए हैं इनका राइट वर्ड्स हमें लिखना है द तो कुमार्स प्रोटे ब्यूटीफुल हाउस बिसाइड और बिसाइड्स बिसाइड का मतलब था के पास बिसाइड्स के अलावा तो हम फर्स्ट के पास में ये ले, इस पर हम टिक करेंगे द न्यूज़ पेपर टाइटल टाइटल इज ऑलवेज प्रिंटेड इन बोल्ड ब्लैक लेटर्स थर्ड एज शी इज वेरी सेंसिटिव अबाउट द पीपल्स फीलिंग सेंसिटिव फोर्थ एज माई ग्रैंड मदर इज वेरी इमेजिनेटिव मतलब काल्पनिक कल्पनाशील शी टेलर्स वंडरफुल स्टोरीज तो फर्स्ट में जो फोर्थ है उसमें इमेजिनेटिव पर टिक करना है ही रोट ए लेटर टू द काउंसिल रिक्वायरिंग मोर इन्फॉर्मेशन उनको और अधिक रिक्वायरिंग मतलब मांगना रिक्वेस्टिंग मतलब रिक्वायरिंग का अर्थ होता है मांगना तो इसको हम टिक करेंगे रिक्वायरिंग मोर इन्फॉर्मेशन जेम्स इज आउटसाइड लिसनिंग ए फोन फोन सुनना हीरिंग मतलब तो कार्यवाही आई क्लीन द रूम यस्टर डे सो ट्राई नॉट टू मेक ए मैस एट जेनिफर हैज़ हैज़ के साथ की तो कौर्ट कौर्ट, तो तू वर्क की थर्ड फॉर्म तो कॉट जेनिफर हैज़ कॉट ए कॉल सो शी वॉन्ट कम टू वर्क टूडे एक्सरसाइज आपको बुक में फिलअप करनी है थैंक यू